केंद्र की मोदी सरकार चला रही देश के युवाओं के लिए एक बड़ी योजना। इस उम्र के लोग कर सकते हैं आवेदन, हर महीने मिलेंगे हजारों रुपए। देश के अलग अलग राज्यों से किया जाएगा इस पद के लिए चयन। अगर इन 22 भाषाओं का है ज्ञान तो जल्दी से आप भी करें आवेदन। देश के सभी लोगों के लिए मोदी सरकार ने दिया नए साल का तोहफा। केंद्र की मोदी सरकार लगातार भारत को नए भारत के रूप में सजाने और संवारने का कार्य कर रही है। मोदी के द्वारा देश के सभी वर्ग का हर तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। वहीं देश में रोजगार को लेकर और हर किसी को शिक्षित बनाने के लिए मोदी सरकार लगातार नए नए सिरे से काम कर रही है और युवाओं से लेकर हर किसी को बेहतर मौका भी प्रदान कर रही है। मोदी के रहते हुए भारत का नाम पूरी दुनिया में हर एक फील्ड में चमक रहा है। ये नया भारत मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आज देश का हर एक युवा देश और विदेशों में भारत का नाम रोशन कर रहा है। दुनिया की सभी बड़ी कंपनियों के CEO, MD और कई बड़े पोस्ट पर हमारे भारत के होनहार लोग इन कंपनियों को संभाल रहे हैं। मोदी का ये नया भारत दुनिया में अपनी ताकत दिखा रहा है। वहीं देश में तकरीबन 75,000 से ज्यादा स्टार्टअप इस वक्त काम कर रहे हैं, जिनमें देश के होनहार युवा बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाते हुए इन स्टार्टअप में अपना लोहा मनवा रहे हैं। वहीं मोदी सरकार भी लगातार नए नए तरीके से देश के हर एक वर्ग के लिए तमाम तरह की बड़ी योजनाएं भी चला रही है, साथ ही साथ उन्हें ट्रेनिंग देकर नए नए तरीके से रोजगार के लिए भी बेहतर बना रही है। इस बीच मोदी सरकार ने देश के युवाओं के लिए एक बहुत शानदार योजना की शुरुआत की है, जिसके जरिए अगर आपकी उम्र इस योजना के अंतर्गत आती है और आपको अगर इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा का ज्ञान है तो हर महीने आपको 50,000 रुपए मिल सकते हैं। इसके लिए मोदी सरकार पूरे देश में जल्द ही चयन प्रक्रिया शुरू करने वाली है, जिसमें आप भी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट आपको मोदी सरकार की इस स्कीम के बारे में बताते हैं। मोदी सरकार की इस योजना में हर महीने मिलेंगे 50,000 रुपए। केंद्र की मोदी सरकार देश के युवाओं के लिए एक बहुत ही शानदार मौका लेकर आई है, जिसमें अगर आपकी उम्र भी 30 साल या उससे कम है तो आप भी योजना के तहत हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 15 जनवरी तय की गई है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में युवा व नए लेखकों की भागीदारी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से ये योजना लाई गई है। वहीं आपको बता दें कि PM युवा योजना के पहले भाग में सरकार को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। दरअसल सरकार का मकसद यही है कि इस योजना को देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना। इस योजना से 75 लेखकों का चयन होगा जिनको इन भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। आपको बता दें कि मोदी सरकार की इस योजना के अंतर्गत देश भर से 75 लेखकों का चयन किया जाएगा, जिसका चयन नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाएगा। वहीं मेंटरशिप योजना के जरिए प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन के अंत में आपको छात्रवृत्ति के रूप में 50,000 रुपए हर महीने के हिसाब से 6 महीने का 3,00,000 रुपए दिया जाएगा। मतलब सभी 75 लेखकों को 3,00,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि ये सभी पद अलग अलग भाषाओं के लिए निकाली गई हैं। इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी शामिल है। इस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन। पहला, सबसे पहले आपको innovativeindia.mygov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। दूसरा, यहां आपको नीचे की तरफ बाईं ओर क्लिक हेयर टू सबमिट पर क्लिक करना होगा। तीसरा, यहां PM युवा 2.0 योजना से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है, यहीं से आपको आवेदन करना होगा और अपना पूरा फॉर्म सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगा, बाकी कब और कैसे इसका चयन होगा ये पूरी डिटेल्स भी आपको मेल के माध्यम से ही प्राप्त होगी। तो मोदी सरकार की युवाओं के लिए इस योजना पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे।